दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली फिर से एक बार आपको खैर मकदम करता हूँ अपने YouTube चैनल डॉक्टर बेग फोरम में। आज का जो टॉपिक है मेरा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, चाहे हम लॉयर हों, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे हम डॉक्टर हों या टीचर्स हों, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं, क्या आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इज़ इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स? यस। जिस विदाउट वर्ड्स से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी अपीयरेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेजेस, हमारा टोन, हमारा फेस ऑफ वॉइस, इस सब की इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नॉन वर्बल में, आपने देखा होगा कि अगर कोई इस तरह से कोई रख कर अपना सर रख कर करता है इसका कुछ इंडिकेशन होता है। अगर हमें विनर कोई शो करना है तो हम अक्सर देखा होगा जब विनर पे आपने देखा होगा ये शो करता है कि हम विनर हैं। या फिर अगर हम कोई कन्फ्यूज हैं कुछ थोड़ा सा तो हम हाथ इस तरह से रखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा जो है थोड़ा खिलखिलाया जाता है। जब हम किसी को बात को कहते हैं कि यस ऑल राइट तो ये शो करता है। ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इसमें हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है। हम अपने सबऑर्डिनेट को समझें, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज का समझना या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हम बात करते हैं गेस्चर्स की, तो इट इंक्लूडेड मूवमेंट ऑफ हैंड, फेस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी अक्सर आपने देखा होगा लोग अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फेसेस का ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है और अदर पार्टी बॉडी पार्ट का जो यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गेस्चर्स में आते हैं और इस वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेशंस है। इसी तरह से पॉस्चर या बॉडी लैंग्वेज की भी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, फेशियल एक्सप्रेशन की भी अलग इंपॉर्टेंट होती है, आई कॉन्टेक्ट की भी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, आपका अपीयरेंस और ऑब्जेक्ट इसकी भी बहुत अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो हम इसका मतलब ये है कि हमारी क्लोथिंग, हमारे हेयर स्टाइल, हमारे आर्किटेक्चर्स, हमारे सिंबल्स, आइकन्स, चाहे वो इमेजेस हों, पिक्चर्स हों, रिप्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग स्टाइल्स, ये सब के ज़रिए से, ये एक आर्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सब के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि वो बंदा किस तरह का है या क्या सोच सकता है हमारे लिए या आगे उसकी क्या प्लानिंग है। इसी तरह से अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल लेआउट, ये सारी बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम बात करते हैं बॉडी मोशन की या काइनेटिक जेस्चर्स की, अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हमारी बॉडी है, लिम्स है, हेड है, फीट है, लेग्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई बिहेवियर है, पॉस्चर है, ये सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सब मूवमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इमोशंस, आपका इमोशन शो कर सकता है, आपका एटीट्यूड शो कर सकता है। आप जैसे मैंने इससे पहले बताया कि थम्स अप जो है ओके का इंडिकेशन करता है, वी जो है वो शो करता है कि हम जो है विक्ट्री कर रहे हैं, फिंगर पॉइंट जो टेम्पल ये शो करता है हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हैंड ग्रैसिंग थ्रोट्स यानी अगर कोई इस तरह से चोकिंग सिस्टम हो गया, हैंड टू माउथ, अगर हमें कभी किसी को बताना होता है कि हम खाना खा रहे हैं तो ये हैंड टू माउथ इंडिकेशन है, स्लीपिंग का ये इंडिकेशन है। ये सारी बातें जो हैं ये कॉमन है, ये हमें अंदाज़ा लग जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे के हेड टिल्टिंग है, नॉड्स है, आई कॉन्टेक्ट है, इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हमें बताना हो कि टचिंग बिहेवियर, जो आपने देखा होगा कि कोई अगर हमारे कंधे पे रखता है या फिर हमारे पीठ पे हल्का हाथ रखता है तो ये शो करता है कि वो पुशिंग करना, ये नहीं, ये शो करता है कि वो हमको केयर टेकर है, ये हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से पॉस्चर्स में आपके जेंट्स वॉकिंग, वॉक सिटिंग, पोजिशन ऑफ बॉडी और गेस्चर्स में आपके मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, फिंगर, ये सब आता है। फेशियल एक्सप्रेशंस में हमारे आई, हमारा आईब्रो कैसे चलता है, आई कैसे चलती है, आई के लिप कैसे हैं, चिन कैसा है, ये सारी जो है ये इंडिकेशंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अक्सर लेक्चर्स में कोई ओपन हैंड करता है, कोई क्लोज हैंड करता है, आगे अपने वीडियोज़ में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इन सब की क्या क्या इंडिकेशंस हैं। फॉरवर्ड कोई बैठता है, बैकवर्ड कोई बैठता है, स्ट्रेट कोई बैठता है तो उसकी क्या क्या इंडिकेशन है। अगर हम देखें एंगर है कोई, अगर मान लीजिए कोई बंदा एंगर है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, वो इंगेज रेस्पॉन्सिव, मतलब एंगर है, गुस्से में है तो लीनिंग फॉरवर्ड की तरफ रहेगा, ओपन बॉडी रहेगी उसकी, ओपन आर्म रहेंगे या ओपन हैंड रहेंगे, जैसे इस तरह की पोजीशन रहेगी, उसके हाथ इस तरह से रहेंगे, तो ये आपको ये शो करेगा कि आप वो कैंडिडेट जो है बंदा थोड़ा सा गुस्से में है।
अगर हम बात करते हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अक्सर उनकी पोजीशन ये पोजीशन होती है और पैर के पैर इस तरह से पोजीशन उनकी रहती है, अक्सर देखा होगा आप लोग कि कुछ लोग इसी तरह से बैठते हैं, तो इसका मतलब वो कि उस वक्त वो कुछ अपने दिमाग में एवेल्युएट कर रहा है कि इसमें हेड टिल्टिंग करना है, लॉट्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट है, हाई ब्लिंक, ये सब इंडिकेशन करता है कि वो बंदा जो है रिफ्लेक्टिव मोड में है या फिर एवेल्युएट कर रहा है वो शक। इस तरह के लोग थोड़े ज़्यादा शक्की टाइप के होते हैं। इसे ना अगर कोई बंदा जो है वो ये फ्यूजिटिव है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है लेट मी गो, मतलब मुझे अकेला रहने दो या बोर हो रहा है, तो उसका इंडिकेशन दिया है कि उसकी पोजीशन ये होगी और उसके बाद फिर वो भी उसका पैर जो है लीनिंग की तरफ इधर पीछे की तरफ उसका मूवमेंट रहेगा और ये डूडलिंग करता रहेगा, फुट टैपिंग करता रहेगा। तो इस तरह के जो बंदे हैं वो इसका मतलब वो बोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं और वो अकेला रहना चाहते हैं। अगर कोई एग्रेसिव है, गुस्से में है, तो अक्सर एग्रेसिव में लोगों का हाथ ये इस पोजीशन पे जाता है, जैसे कमर में इस तरह, या फिर अगर टेबल पे बैठे हैं तो इसके जो पोजीशन ये इस तरह से रहती है, तो ये शो करता है कि बंदे या टैपिंग, फिंगर टैपिंग कर रहे हैं, फुट टैपिंग कर रहे हैं, इस तरह के बंदे का इंडिकेशन है कि ये थोड़ा गुस्से में है, इसका गुस्सा शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सुपीरियरिटी की, कि कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर शो करते हैं, तो अक्सर उनका हाथ पीछे की तरह रहता है और पैर के पैर जो है वो रहता है, तो अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते हैं और ये इंडिकेशन करना चाहते हैं कि हम आप जो कहना चाह रहे हैं हम आप इस बात से एग्री नहीं करते। इस कंडीशन में कैंडिडेट जो होता है वो लीनिंग बैक विद हैंड सपोर्टिंग हेड के पोजीशन में रहता है। बाकी अगर बंदे को देखना है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट रेडी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, गोल ओरिएंटेड पर्सन, अक्सर जो है वो इस तरह से बैठते हैं, उनका पोजीशन ये रहती है, तो ये शो करता है कि बंदा जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट मोड में है। इसी तरह से अगर कोई बंदे को ऑनेस्टी या लॉयल्टी या डिवोशन, या तो अक्सर जो लोग अक्सर थोड़ा अपना हाथ जो है सीने की तरफ रखते हैं, तो ये ऐसे बंदे जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं और डिवोटेड होते हैं अपने काम की तरफ। अगर कोई बंदा हेजिटेट करता है, तो हेजिटेट करता है या फिर डाउट में रहता है, तो अक्सर उसका उंगली इस तरह से, फिंगर इस तरह की रहती है। और क्यूरियोसिटी वाले जो लोग होते हैं, जो सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ चलता है कि नई चीज़, क्रिएटिव माइंड, तो उन ऐसे बंदे जो हैं वो इस तरह से उनकी पोजीशन रहती है, इस तरह से पोजीशन रहती है। बाकी कुछ लोग जो बोर हो गए हैं या टायर्ड हैं, तो उनकी पोजीशन जनरली इस तरह इस पोजीशन पर रहते हैं, वो लोग तो शो करता है कि बंदा बोर हो गया है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से उनका हाथ होता है, तो वो होते, इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट हैं, प्राउड हैं, और ऐसे लोग थोड़े से इगोस्टिक टाइप के भी होते हैं, अक्सर उनकी पोजीशन इस तरह से रहती है। बाकी जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाथ को इस तरह की पोजीशन पर रखते हैं, बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये का मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेशन उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, या हैंड ड्रैपिंग करते हैं ऐसे लोग, तो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी बात में। कुछ लोग होते हैं जो चिन पे हाथ रखते हैं, तो वो इसका मतलब होता है वो अक्सर एवोलेट कर रहे हैं, यानी जज कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोग थोड़ा शेक्की टाइप के होते हैं। निगेटिव कुछ लोग होते हैं, निगेटिव अक्सर कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो आपका चश्मा, उनका चश्मा है, उनका सन ग्लासेज या इस पोजीशन पे रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो है बंदे निगेटिव इमोशन वाले बंदे होते हैं, और इनके दिमाग में वो कभी हमेशा किसी को पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, और उनके दिमाग स्क्रूटनी चलती रहती है उनके, इस तरह के लोगों की, तो ऐसे लोगों का हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि निगेटिव माइंड के लोग होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सिंसियर या ओपन टू सजेशन, एक्सेप्टेबल जो लोग होते हैं, वो अक्सर अपना हाथ इस पोजीशन में जब भी बात करेंगे तो उनकी पोजीशन ये रहेगी। और अगर जो बंदे हेल्पलेसनेस, यानी हमेशा अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस हो, उनका हाथ इस तरह की पोजीशन पे रहेगा, तो जो सिंसियर लोग बंदे हैं उनका हाथ हमेशा बात करते हुए ये रहेगा, और जो आपके हेल्पलेस लोग होते हैं तो अक्सर उनका हाथ जो है इस तरह से रहता है, ये पोजीशन होती है। कुछ बंदे होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो अक्सर देखा होगा आपने चेयर पे अपने एक उस पर गेटिंग एक पैर ऊपर रख लेते हैं, तो इस तरह के जो बंदे होते हैं वो जो है वो कोऑपरेटिव बंदे नहीं होते, तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से कैसे लोग उनके बॉडी लैंग्वेज से हमें अंदाज़ा लग जाता है। ऐसी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके ये पोजीशन ये होती है, तो ये शो करता है कि वो डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव मोड में हैं, इस तरह के बंदे ज़्यादातर डिफेंसिव मोड में होते हैं। और अक्सर गर्ल्स जो हैं वो ये पोजीशन रखती हैं, जनरली इस तरह की पोजीशन रहती हैं, तो ये प्रेफर गर्ल्स पोजीशन करती हैं, ये गर्ल ज़्यादातर डिफेंसिव मोड में रहती हैं, ये सब इंडिकेशंस हैं। इसी तरह तो ये दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमें जो है ये अंदाज़ा लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं,
और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप हमें प्यार मोहब्बत देते रहें और मेरे चैनल डॉक्टर बिग फोरम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।